इसको आसान कैटेगरी के सवाल में रखता हूं मैं। चलो अब बेसिकली हाँ सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व कर रहे हो। एक विस्टल है रिवॉल्विंग इन ए सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 20 रेडियन अलोंग ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मतलब एक साउंड का सोर्स है, उसको मैं रसरी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको मैं घुमा दिया सर्कल में, और उसके बाद साउंड का जो सोर्स है वो एक 385 फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जर्वर है, उसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें एक साउंड का सोर्स घुमा दिया इस टाइप से। जैसे मान लो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये साउंड का सोर्स है, ये साउंड जनरेट करेगा, ये इस तरह से ये ओमेगा से सर्कल में घूम रहा। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, दिस इज द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी उसकी कैलकुलेशन हमें करना है। अब आपको ये बात पता होगा अगर कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलती है, अपना जो फार्मूला है क्या भैया, इसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी एफ डैश बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला तो रट के याद करके याद कर ही लेना है। अभी ऑब्जर्वर रेस्ट है तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो जीरो चली गई, सोर्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो जब सर्कल में मूव कर रहा है सोर्स तो इसको एक बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी और एक बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो कब मिलेगी वो एक बार देख लेते हैं हम लोग कब मिल रही है। चलो तो यहाँ पर जब ये ऑब्जर्वर समझना इसको, जब टेंजेंशियली जब यहाँ पर ऐसे जब ये जो सोर्स है वो यहाँ आएगा उस वक्त इस सोर्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इधर है, साउंड की जो सोर्स है जो साउंड आएगा जो इसकी जो सोर्स की वेलोसिटी अलग है, समझना सोर्स की वेलोसिटी अलग है, इधर है Vs और जो साउंड है उसको तो ऐसे ही आएगी है, जो साउंड की वेलोसिटी भी है उसको कान में ऐसे ही आएगी। तो इस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है इधर है और ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है और साउंड इसको ऐसे ही जाएगी, तो इस वक्त इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी पॉइंट ए पर जब सोर्स रहेगा। फिर जब इसको कभी यहाँ सोर्स आएगा उस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है वो इसके टेंजेंशियली कुछ ऐसी, साउंड तो ऐसे ही जाएगी लेकिन इस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है वो भी इधर ही है टेंजेंशियली, तो इस सिचुएशन में इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब ये इस पॉइंट पर रहेगा टेंजेंशियली इसके कानों में ऐसे जाएगा, और इस केस में यहाँ पर इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिली। हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या लगाएंगे इस वाले ए वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई कर देते हैं, इसी में वैल्यू डाल देते हैं। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ डैश कितना होगा भैया, साउंड की स्पीड वी डैश लीनियर है तो इधर लीनियर है, तो इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ भी। ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर ये है जो कि आदमी खड़ा है कहीं नहीं जा रहा, जीरो, और साउंड की स्पीड भी, और सोर्स की स्पीड मिनिमम के केस में सोर्स की स्पीड इधर है टेंजेंशियली और जो कि साउंड के अपोजिट है, साउंड इधर जा रही है और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ और सोर्स किधर है, तो ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, प्लस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ। दिस इज द फाइनल फार्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू वी एफ अपन वी प्लस बी एस। अब इसमें वैल्यू डाल दो और यही एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। चलो तो वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट करो। तो अब वैल्यू सबसे पहले साउंड की जो सोर्स की स्पीड ही नहीं पता क्योंकि ओमेगा दिया है, तो लीनियर स्पीड मैं निकाल सकता हूँ। तो लीनियर स्पीड क्या होती है, वी इज इक्वल टू होती है वी एस, सोर्स की आ जाएगी ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन है और रेडियस जो है लेंथ, रेडियस इस सर्कल का रेडियस 50 है, सेंटीमीटर में है 10^-2, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया तो 50 सेंटीमीटर है, ओमेगा इज इक्वल टू 20 है बेटा 20, तो 2 तो ये 10 रेडियन 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द सोर्स की लीनियर स्पीड है। तो चलो वैल्यू डालो, तो 10 साउंड की
साउंड की स्पीड कितनी लेनी है इसमें दिया होगा 340 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये दिया होगा 385 एंड डिवाइडेड बाय 340 प्लस 10। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आ जाएगा 374 हर्ट्ज आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 374 हर्ट्ज आ जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ में आ गया। देखो ये एक्चुअली हमें क्या करना है, यही फार्मूला याद करना है जब तक मीडियम नहीं चलता है। तो मीडियम चलता है तो इसमें कुछ और ऐड हो जाता है। अभी मीडियम रेस्ट है तो एक ही फार्मूला वन डायमेंशन टू डायमेंशन के लिए लगाना है और एक लाइन में लगाना है वन डी में इसको। चलो ये वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस।